देखिए, राजेश को और खुशी इसलिए होती है क्योंकि जब जब वो चुड़ैल वाली एक्टिंग कर रही होती है तो सबको यकीन हो जाता है कि अरे ये तो सच में चुड़ैल आ गई है इसके ऊपर, राजेश के ऊपर तांत्रिक को बुलाते हैं वो लोग। तो अब राजेश को और खुशी होती है, मतलब इतना अच्छा अभिनय किया उसने, इतनी अच्छी एक्टर है वो, मतलब सबको एकदम यकीन कर लिया। तो वो अब जिद पे आ गई कि नहीं मुझे करना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो किसी की नहीं सुनती है, मतलब अम्मा की भी नहीं सुनती है और हप्पू की भी नहीं सुनती है। मतलब वो है, अगर अगर राजेश ने ठान लिया है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि नहीं हमको करनी है तो मतलब करनी है, आप लोग टाइम निकालिए, बच्चों को आप लोग भी देखिए। देखिए यही तो कमाल है राजेश का कि वो मना लेती है। मतलब आप लाख मना कर दें, अगर राजेश को करना है तो वो कर लेगी और वो सबको अपने साथ ले लेगी। मतलब सब आखिरी में सबको बोलना पड़ेगा ठीक है बेटा तुम कर लो। देखिए चटपटा कुछ खाया है तो चटपटा सा ख्याल आया है, अब वो अब कुछ तो तरकीब निकालेगी। वो कमरे के अंदर गई है तो मतलब कुछ तिकड़म सोचेगी, फिर से कुछ ऐसी एक्टिंग कर देगी कि वो लोगों को यकीन करना पड़ेगा, मान जाएंगे वो लोग। तो दिमाग में वो चल रहा है कि अब क्या क्या और क्या किया जाए, क्या कुछ मानो तिकड़म भिड़ाया जाए या क्या कुछ और, क्या कुछ और एक्ट करके मैं दिखा दूँ कि अरे ये मान जाए कि भैया तू कर एक्टिंग। जितनी टेंशन है ये शो देखिए आप, मंडे टू फ्राइडे 10 PM NTV पे, और आप देखिए एकदम सारी टेंशन आपकी गुल हो जाएगी। जी हम कह रहे हैं तो भैया सब कुछ भूल जाओ, 10 बजते ही TV खोल ले, NTV लगा ले, हप्पू की उल्टन पलटन आई है तो देखियो, तुम आओ टेंशन ऐसे चुटकी में छू मंत्र हो जय जय हमाओ बाधा है तुमसे।